हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। फोटोशॉप सीखने के इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम जिस टूल्स को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा कलर सैम्पलर टूल, या फिर आई ड्रॉपर टूल भी हम इसको बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप टूल बार के इस पैनल पे आएंगे तो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में देखा था क्रॉप टूल, और क्रॉप टूल के जस्ट बगल में राइट साइड में आपको दिख रहा है आई ड्रॉपर टूल, और इस पे अगर हम राइट क्लिक करें तो इसमें आपको दो टूल्स दिखाई देंगे, जिसमें कि एक है कलर सैम्पलर टूल एंड सेकेंड जो है वो है आई ड्रॉपर टूल। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक करके दोनों को देखते चलेंगे। आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये है बड़े मजेदार चीज। इसके मदद से हम इन फ्यूचर जब हम एडिटिंग करेंगे तो उसमें हमारा बहुत बड़ा रोल होने वाला है, इसका बहुत बड़ा यूज होता है कलर चूज करने में, कलर सेलेक्ट करने में, कलर की कॉम्बिनेशन बनाने में भी ये बहुत बड़ा रोल करता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आई ड्रॉपर टूल एंड कलर सैम्पलर टूल। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो आज हम देखने वाले हैं आई ड्रॉपर टूल और आई ड्रॉपर टूल का वर्क क्या है, और इसका मैं सबसे पहले हॉट को दिखा दूं तो इसका जो हॉट की है वो आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा आई फॉर आई ड्रॉपर टूल। ड्रॉपर क्या होता है, जैसे कि आप देखे होंगे छोटे बच्चों को दवाई जब पिलाया जाता है तो उसको दवाई को ड्रॉपर से एक दो ड्रॉप लेके उसके मुंह में एक दो बूंद ड्रॉप के तौर पे दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ वैसे ही यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल भी है। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा जो कि एक बर्ड है, और बहुत ही कलरफुल और बहुत ही खूबसूरत एक बर्ड है। इसकी जो क्वालिटी है वो भी सही है, शानदार है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा एक इमेज लग रहा है, लेकिन हम इस इमेज से कुछ कलर पिक करना चाहते हैं और उस कलर को पिक करके हम कहीं दूसरे जगह यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम कलर कैसे पिक करेंगे, तो मैंने यही कलरफुल इमेज इसलिए लिया ताकि आपको ये पता चले कि यहाँ पे कितने सारे कलर्स हैं और आई ड्रॉपर टूल का वर्क क्या है। यहाँ कलर पिक करने से पहले मैं जरा अपने कलर के इस पैनल को दिखा दूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास जो दो कलर है, एक है फोरग्राउंड कलर और दूसरा है बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर जो है वो है ब्लैक कलर, और बैकग्राउंड कलर जो है वो है वाइट कलर। अभी हमारा जो फ्रंट पे है जो सिलेक्टेड है वो है फोरग्राउंड कलर, और जैसे ही मैं आई ड्रॉपर टूल को जिस भी पॉइंट पे क्लिक करूंगा, इवन पॉइंट हम नहीं कहेंगे, जिस भी पिक्सल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इमेज है और इमेज में पिक्सल होते हैं और हर एक पिक्सल में एक सिंगल कलर होता है, और जिस पिक्सल पे ये हमारा ड्रॉपर टूल क्लिक होगा वहाँ का कलर आप यहाँ पे देखेंगे कि आ चुका है। आई रिपीट, जिस पिक्सल पे हम आई ड्रॉपर टूल को क्लिक करेंगे वहाँ का कलर यहाँ पे सैंपल के तौर पर आ जाएगा। ओके, अभी आप देखेंगे कि जैसे ही हम किसी पॉइंट पे क्लिक कर रहे हैं आप यहाँ पे देखेंगे कि एक सर्कल बना हुआ है, और यहाँ पे आपको दो कलर दिखाई दे रहा है। नीचे वाला जो कलर है ये कलर ये बता रहा है कि यहाँ पे जो कलर है ये प्रीवियस वाला कलर है, और ऊपर साइड वाला जो कलर है वो बता रहा है कि अभी हमारा जो माउस पॉइंटर है वो किन किन पिक्सल पे मूव कर रहा है। जैसे जैसे वो पिक्सल पे मूव कर रहा है उसका कलर आप देखेंगे कि चेंज हो रहा है। ठीक है, और जिस पॉइंट पे हम छोड़ देंगे, अगर देखिए मुझे रेड कलर लेना है, अगर थोड़ा सा मैरून लेना है, थोड़ा सा लाइट रेड, ये सब कुछ करना है तो हम बड़े आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम अपने माउस को रिलीज करेंगे वो कलर हमारे इस कलर वाले सेक्शन में आ चुका होगा, फोरग्राउंड कलर में आ चुका होगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि यहाँ से हम किसी भी कलर को किसी भी इमेज से चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और जब कलर सेलेक्ट हो गया तो इसको आप कहीं भी क्लोज रेक्टेंगल में आप फील कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं। ब्रशिंग करना हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, अगले क्लास में, उसके बाद आपको इसका यूज पता चलेगा। ठीक है, आज हम थोड़ा सा बात करेंगे इमेज के पिक्सल पे कि इमेज में पिक्सल क्या होते हैं और वो कैसा दिखता है। तो इमेज के पिक्सल देखने के लिए मैं यहाँ से एक टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उस टूल का नाम है जूमिंग टूल, जो कि यहाँ पे आपको लेंस की तरह दिख रहा है, और इसको हम किसी भी इमेज को जूम करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मैंने इस मैग्नीफायर को यूज कर लिया और यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लस। प्लस का मतलब क्या है कि अभी ये जूम करने के मूड में है। ठीक है, तो हम किसी भी सेक्शन को, जिस भी सेक्शन को जूम करना चाहते हैं वहाँ पर हम माउस को ड्रैग करेंगे तो ये जूम होगा, अगर हम ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो जूम आउट हो रहा है, और नीचे की तरफ अगर हम जूम कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, तो ये जूम इन हो रहा है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एक एक पॉइंट ये थोड़ा थोड़ा करके ये जूम होगा।
ठीक है। अगर आप यहाँ से प्रॉपर्टी बार को जरा देखिए तो यहाँ पे अगर माइनस वाला मैग्नीफायर यूज कर ले रहे हैं, ठीक है, अब क्लिक करेंगे तो ये फोटो हमारा जूम आउट होगा, ये क्लिक करने पे हो रहा है। अगर ड्रैगिंग करना है तो ड्रैगिंग करके आप जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा जूम करते हैं, ठीक है। जैसे इस बर्ड के हम पंख को और जूम करते हैं, ठीक है, और जूम करते हैं और जूम करते हैं। अभी आप देखेंगे कि हमने जो जूम किया है ये मैक्सिमम कितना जूम हो चुका है, तो 12,800 जूमिंग है इसका। अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको जूमिंग रेंज दिखाई दे रहा है, 12,800% ये जूम है। और आपको यहाँ पे ये छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं और हर बॉक्स में एक सिंगल कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। सिंगल कलर मतलब कि जो भी है एक सिंगल कलर है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इमेज है, ये जो पिक्सल है, ये जो बॉक्स बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। और हर पिक्सल में एक सिंगल कलर होता है और हर कलर का एक अपना कोड होता है, उसका अपना एक यूनिक नंबर होता है। और हर कलर जो होता है वो तीन कलर से मिलके बना होता है, जिसको हम बोलते हैं रेड ग्रीन ब्लू। अभी हमारा जो इमेज है वो कौन सा कलर से बना हुआ है, तो रेड ग्रीन ब्लू से बना हुआ है। ओके, ये बहुत बड़ा इमेज अब बन चुका है, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा जूम कर चुके हैं। अभी आप देखेंगे कि इसका जो पंख है ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अभी हम इसके बॉडी के तरफ भी जाएंगे तो ये देखिए रेड वाला इसका पार्ट आ चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे मल्टीपल्स कलर हैं और इन्हीं कलर के मदद से क्या होता है, तो हमारा जो इमेज है वो एक बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देता है अगर हम उसको दूर करें तो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पिक्सल क्या है, लेकिन हर पिक्सल में कलर क्या होता है और कलर का अपना कोड क्या है, तो उसको अब हम समझने के लिए आई ड्रॉपर टूल में हम दूसरे टूल्स को देखते हैं जिसका नाम है कलर सैम्पलर टूल, ठीक है। यहाँ पे कलर की सैम्पलिंग करने का काम करेगा। जैसे मैं इस कलर का देखना चाहता हूँ, सैंपल लेना चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन से कलर मिक्स है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हर कलर में आपको तीन कलर जरूर मिलेंगे जिसको कहते हैं रेड ग्रीन एंड ब्लू। जैसे हमने यहाँ पे 0.1 बना लिया, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कलर है यहाँ पे आपको 0.1 करके एक दिखाई दे रहा है। जरा मैं यहाँ पे जूम करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रेड इसमें 100 है, ग्रीन जो है वो है 131 एंड ब्लू जो है ये है 212। ये नंबर जो है ये कलर का एक्सपोजर को बता रहा है कि इसमें रेड कितना मिक्स किया गया है, ग्रीन कितना मिक्स है और ब्लू कितना है। इसके नंबरिंग हम कहाँ से कहाँ तक दे सकते हैं, तो इसकी नंबरिंग जो होता है 0 to 255 होता है, यानी कि 0 से लेके 255 तक हम एक नंबर दे सकते हैं। यानी कि रेड में हम 255 दे सकते हैं, ग्रीन में 255 दे सकते हैं, ब्लू में 255 दे सकते हैं। मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम की बात करें तो 000 दे सकते हैं। इसके अलावा और हम कोई दूसरा नंबर नहीं दे सकते। और कोई भी कलर बनता है तो रेड ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से ही बनेगा। अगर मैं थोड़ा सा और हिंट्स दूँ तो मैं ये कलर पैनल ओपन करता हूँ और आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे आपको तीन मोड दिखाई दे रहे हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। CMYK के भी कलर मोड होता है लेकिन इसका अलग रूल है और इसका अलग रूल है। सबसे ज़्यादा कलर जो होता है वो रेड ग्रीन ब्लू में ही होता है, CMYK में कम कलर होते हैं। यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से काम करता है लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स के हिसाब से, पिक्सल के हिसाब से काम करेगा। और इसमें जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे हम उतने कलर बना सकते हैं, यानी कि 255 इसमें, 255 इसमें और 255 इसमें। और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों के मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा हम उतने कलर्स बना सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कलर की बात करूँ, अभी जरा देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, हमने ग्रीन को कर दिया 0 और ब्लू को कर दिया 0, बच गया ग्रेड और रेड को हमने कर दिया 255। तो अभी जो हमारा कलर यहाँ पे न्यू कलर जो बना है वो बिल्कुल रेड कलर बन रहा है, ठीक है। अगर मैं रेड को भी कर दूँ 0 और, अच्छा, तीनों 0 0 हो गया तो यहाँ पे कलर कौन सा बन रहा है, तो यहाँ पे कलर जो बन रहा है वो ब्लैक बन रहा है, इसमें कोई कलर ही नहीं है। अगर मैं ग्रीन की बात करूँ तो ग्रीन में मैंने भर दिया 255। ओके, अभी आप देखेंगे कि ये 100% ग्रीन कलर बना हुआ है। अगर मैं इस ग्रीन को भी 0 करूं और ब्लू को भी 255 कर दूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्लू 100% ब्लू बन चुका है न्यू में, ठीक है। अब अगर हम कोई और कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, जैसे ब्लू और रेड इन दोनों को मिक्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैजेंटा कलर बन चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको रेड 255 रख लेता हूँ और ग्रीन हम 255 कर लेते हैं
तो अगर तीनों 255 हो चुका है तो ये व्हाइट कलर बन चुका है क्योंकि ये तीनों मिक्स कलर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ब्लू के कलर को मैं जीरो कर देता हूँ। अब हमारे पास रेड 255 है और ग्रीन 255 है। अब यहाँ पे कौन सा कलर बन रहा है, तो येल्लो कलर बन रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि कलर कॉम्बिनेशन क्या है, और जैसे जैसे हम कोई भी कलर यहाँ से चूज करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे आपको कलर कॉम्बिनेशन भी दिखेगा, हर कलर में कौन कौन से सिंबल बने हुए हैं, कितना रेड, कितना ग्रीन और कितना ब्लू है, वो हम कलर बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये जो मैंने सैंपल वन बनाया है, अगर इसका कलर हमें बनाना हो तो एक बार हम चेक करने के पर्पज से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेड कितना है, 100 है, मैं यहाँ पे रेड में फिल कर देता हूँ 100। ग्रीन कितना है, तो ग्रीन में 131 है, मैंने यहाँ पे 131 कर दिया, ओके। और ब्लू कितना है, तो ब्लू हमारे पास है 212, मैंने यहाँ पे 212 कर दिया। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा कलर सैंपल बना है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं इस फोटो को अब जूम आउट कर देता हूँ, बिल्कुल 100% कर देता हूँ। तो ये मेरा इमेज फिर से हमारा आ चुका है, और यहाँ पे आप देखेंगे कलर वन का सैंपल बन चुका है। एक और मैं कलर सैंपल लूँ और मैंने यहाँ रेड वाले पे क्लिक किया, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि हैश टू करके यहाँ पे एक दूसरा कलर बन रहा है जिसमें कि रेड की जो नंबर है वो सबसे हाईएस्ट जा रहा है, ओके। तो इस तरह से हम किसी भी कलर का कॉम्बिनेशन कौन कौन से बना हुआ है वो हम पता कर सकते हैं, और अगर कोई कलर पिक करना है तो वो भी हम कर सकते हैं आई ड्रॉपर टूल के मदद से। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा क्लास आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो प्लीज आप इसे एक लाइक करें, लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। अगर आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।